इसी को फॉलो करेंगे चाहे या तो पास होंगे या फेल होंगे, लेकिन एक ही चीज़ को लेके मैं पूरे पेपर में चलूंगी। तो मैं इजी इजी क्वेश्चन निकालती थी, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कुछ निकाल लिए, कुछ नंबर सिस्टम्स निकाल लिए, ऐसे मतलब चुन चुन के कुछ क्वेश्चन करके ना उसमें अपनी एक्यूरेसी बना के। अपने हर अटेम्प्ट को बहुत सीरियसली लीजिए, सोच समझ के दीजिए, अच्छे से दीजिए। मतलब मैंने खुद को कम्प्लीटली शट डाउन नहीं किया था। जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैं टच में रहती थी, अगर वो टैलेंट आपने कर लिया समराइजेशन का तो मीन्स का काफ़ी अच्छी पकड़ बन जाएगी। एक क्वेश्चन का जवाब दे भी दिया तो भी बाकी 10 क्वेश्चन तो आपके अपने पर्सनल रह जाएंगे ना। आई थिंक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आप उनको बस एक कॉमन इंसान समझ के ही उनसे बात करो। वो ऑफिसर, सिविल सर्विसेज, पहला मीन्स, पहला इंटरव्यू, ये सब मैंने सोचा ही नहीं। मैं गई बहुत स्माइलिंग फेस के साथ, आफ्टरनून सेशन था बट फुल एनर्जी के साथ, और उतनी ही एनर्जी के साथ मैंने पूरा इंटरव्यू कंटिन्यू किया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी फैक्ट्री। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस यूपीएससी फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ प्रिया अग्रवाल मैम है, इनका यूपीएससी आईएफएस में ऑल इंडिया रैंक 26 आया है। तो आज इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। आप सभी लोगों ने इनको हमारे साथ पहले भी देखा होगा, मेंस के टाइम पे हम जब रिव्यू करने जाते थे तो काफ़ी वीडियोस आपने देखे होंगे मेंस के एग्जाम रिव्यू के। तो प्रिया मैम से बात करेंगे, जानेंगे इनका सारा एक्सपीरियंस। चार इन्होंने अटैम्प्ट दिए हैं, उसमें से दो बार इनका प्रीलिम्स हुआ तो दो बार इन्होंने मेंस लिखा, तो वो सारा एक्सपीरियंस जानेंगे। इतनी लंबी जर्नी रही है, कैसा इनका स्ट्रगल रहा, किस तरीके से इन्होंने सारी चीज़ों को फेस करा और कैसे आखिर में आके इन्होंने अपने फाइनल सिलेक्शन लिया। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। आप सभी लोगों के कोई भी क्वेरीज रहते हैं आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, और थैंक यू सो मच आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हो। रिजल्ट के बाद कैसे जा रहे हैं दिन, कैसा चल रहा है सारा कुछ? एक्चुअली काफ़ी एकदम अनलोड हो गया है, अब कुछ पढ़ने का वैसे भी मन नहीं था और अब पढ़ने के लिए है भी नहीं। तो काफ़ी मोनोटोनस हो जाता है, आराम से सो के उठते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं और बस पूरे दिन बिंज वॉचिंग शायद थोड़ी बहुत ये चल रही है। ओके। हमने आपकी स्ट्रेटजी वगैरह तो बहुत बातचीत कर ली है, यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें। हम शुरुआत से थोड़ा चलते हैं, आपके बचपन के बारे में जानते हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। तो बचपन कैसा रहा, कहाँ पे आप पले बड़े और स्कूलिंग कैसी रही और फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? एक्चुअली मैं दिल्ली ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, एंड मेरे फादर का खुद की शॉप है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, एंड माई मदर इज़ अ होम मेकर, और मेरा एक भाई है। और मेरी स्कूलिंग फ्रॉम मेरी स्कूल से लेके पूरी एजुकेशन जो है वो दिल्ली में ही रही है। तो स्कूलिंग मेरी प्राइवेट स्कूल से हुई थी, देन आफ्टर 12th आई एंटर इनटू एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, वहाँ से मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। देन आई गॉट प्लेस्ड इनटू अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंड वहाँ पे फिर 1.5 ईयर जॉब करने के बाद आई लेफ्ट द जॉब and started preparing for civil services. Okay. So like from 2020 I have been preparing. आपने जॉब छोड़ के तैयारी में आ पाए? Sure. Great. कॉलेज के बारे में थोड़ा बताओ, कॉलेज लाइफ कैसी रही आपकी और कब मतलब यूपीएससी का कॉलेज में आपने डिसाइड कर लिया था, कैसे रहा पूरा ये? एक्चुअली मेरी कॉलेज लाइफ काफ़ी बैलेंस थी, आई यूज टू एंजॉय ऑल द करिकुलर एक्टिविटीज एंड एजुकेशन भी, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी स्ट्रिक्ट अटेंडेंस मॉड्यूल होता था फॉर द बीटेक पीपल, सो पढ़ाई कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई एंड मेरे ग्रेड्स भी सही थे। आई पास थ्रू फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन, टॉप 5 में रहता था हमेशा। तो आई थिंक मज़े के साथ साथ पढ़ाई दोनों चीज़ें मेरी बहुत अच्छे से रही हैं कॉलेज में। पढ़ाई के अलावा क्या क्या एक्टिविटीज़ रही आपकी कॉलेज में? मैं स्पोर्ट्स क्लब में थी, आई वॉज कैप्टन ऑफ कबड्डी टीम इन स्पोर्ट्स, और मेडल वगैरह भी जीत लेते थे हम लोग। तो स्पोर्ट्स मेरा ज़्यादा इंक्लिनेशन था, कभी कभार हम डांस क्लब के भी पार्ट बन जाते थे, म्यूजिक क्लब था ही था। सो दिस इज़ हाउ, मतलब आई वॉज इन्वॉल्व्ड इन ऑलमोस्ट एवरी क्लब, और पढ़ाई के साथ साथ मेरा था कि हमेशा मुझे कुछ ना कुछ अलग भी करना है। ओके एक बात बता दूं आपको, इन्होंने कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं लिया है, जैसे खरीज नगर में करोल बाग में इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ पर कहीं पे इन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, सेल्फ स्टडी करी है, बाकी इधर उधर से गाइडेंस इन्होंने लिया है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि सेल्फ स्टडी से कैसे पढ़ाई की जाती है। तो आपके अटैम्प्ट पर हम आते हैं, पहला अटैम्प्ट कब दिया आपने और फिर सारे अटैम्प्ट पर थोड़ा बताओ कि कौन सा अटैम्प्ट में कहाँ तक आप गए। 2020 मेरा पहला अटैम्प्ट था जिसमें आई मिस्ड प्रीलिम्स बाय अराउंड 10 मार्क्स, फिर उसके बाद 2021 में मेरा सेकेंड था, वो भी नहीं क्लियर हुआ था, 0.1 मार्क्स ही कुछ रहा था। देन फ्रॉम द थर्ड अटैम्प्ट आई स्टार्टेड क्लियरिंग, उससे पहले मेरा सीएससी ही निकला था और मैंने फॉरेस्ट भरा भी नहीं था उस वक्त। फिर फोर्थ अटैम्प्ट से आई फिल्ड द फॉरेस्ट ऑल्सो इन द फॉर्म,
और तब मेरा फॉरेस्ट का भी प्रीलिम्स निकला, मेंस, इंटरव्यू सब एक साथ होके आई एम नाउ सिलेक्टेड। ओके, इस थोड़ा कोचिंग के बारे में बताओ। जैसे आपने डिसाइड करा कि यूपीएससी करना है, तो आप दिल्ली से ही हो, तो आपको तो सारा कुछ पता ही था कि यहाँ पे करोलबाग में कोचिंग्स हैं, मुखर्जी नगर में कोचिंग्स हैं। कोचिंग का ये डिसीजन कैसे बना है कि मुझे ये कोचिंग ज्वाइन नहीं करना, सेल्फ ही करना है? एक्चुअली दिमाग में तो था ही कोचिंग ज्वाइन करनी है, एंड मैं मतलब आई वॉज अबाउट टू ऑल्सो ज्वाइन, बट उस समय कोरोना आई थिंक आ गया था और बहुत सारे कोचिंग ऑफलाइन से ऑनलाइन चले गए थे, तो आई थिंक दैट वॉज अ डिस्ट्रप्शन पॉइंट। फिर उसके बाद मैंने कोचिंग का आईटी ड्रॉप ही कर दिया था, क्योंकि फिर यूट्यूब की हेल्प से मतलब कुछ कुछ चीज़ें पढ़ लेते थे, एनसीईआरटी पढ़ते थे, तो वहाँ से हेल्प मिल जाती, समझ में आ जाता था कि अच्छा ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो आई थिंक फिर मुझे लगा कोचिंग की ऐसा ज़रूरत नहीं है, आप कुछ कुछ पॉइंट्स पे ले सकते हो, टेस्ट लगाने हुए या कुछ स्पेशल आपको सब्जेक्ट बहुत टफ लगा तो वहाँ आप ले सकते हो। दिस इज हाउ आई प्रोसीडेड। ओके, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था आपको? मेरा सीएससी के अंदर एंथ्रोपोलॉजी है, और उसमें फॉरेस्ट्री में फॉरेस्ट्री एंड जियोलॉजी। ओके, फिर आप अपनी प्रीलिम्स पे हम स्ट्रेटजी पर आ जाते हैं, तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी आपने कैसे बनाई? आपने दो बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं करा था, तो जाहिर सी बात है कि आपने चेंजेस करे होंगे स्ट्रेटजी में, बार बार आप ट्राई कर रहे होंगे कि क्या क्या गलतियाँ रही हैं, आपने एनालाइज करा होगा, तो कैसे प्रीलिम्स का थोड़ा बताओ, कैसे सारा कुछ करा आपने? देखिए, आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट आई रियलाइज कि मेरी नॉलेज अभी भी थोड़ी सी लिमिटेड है, और पेपर को अप्रोच कैसे करना है मैं अभी तक सीख नहीं पाई हूँ शायद। सेकेंड में मैंने अप्रोच भी सीखी और नॉलेज भी अच्छे से हो गई थी, क्योंकि मुझे प्रिपरेशन करते हुए सिर्फ एक साल हुआ था जब मैंने प्रीलिम्स पहला दिया था, तो आई फेल्ट कि सेकेंड प्रीलिम्स में मेरा शायद इसलिए रुका था बिकॉज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द एग्जामिनेशन हॉल। आई वॉज लाइक मार्किंग सम क्वेश्चन ऑन माई प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजी, बट उसी तरह के दूसरे क्वेश्चन से मैंने स्ट्रैटेजी चेंज कर दे रही हूँ बिकॉज आई वो कॉन्फिडेंस जो था वो लैकिंग था। थर्ड से मैंने अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क किया कि इसी को फॉलो करेंगे चाहे या तो पास होंगे या फेल होंगे, लेकिन एक ही चीज़ को लेके मैं पूरे पेपर में चलूंगी। यही नहीं कि साइंस या टेक के एक क्वेश्चन पे मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, अनलेस और अनटिल मुझे उस ऑप्शन के बारे में कम्प्लीटली श्योरिटी है, उस एक चीज़ को मैंने फॉलो किया पूरे पेपर में। और चौथे में भी मैंने यही चीज़ की थी, जब चौथा पेपर था 2023 का, काफ़ी बाउंसर था वो, क्योंकि ओनली वन ओनली टू हमारे लास्ट ईयर के पेपर से 10 क्वेश्चन थे। इस बार मैंने जब एक्चुअली आई स्टार्टेड विद द वेरी पॉलिटी वाला सेक्शन, आई फेल्ट कि हमेशा मेरे पेपर में ना शुरू में हिस्ट्री आता था, मैंने चांस की बात थी, और हिस्ट्री देखते ही आधे दिमाग उड़ जाते हैं, क्योंकि आई थिंक हम सब लोग ना हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हम लोग दुनिया भर का रट्टा मार रहे हैं हिस्ट्री पे, पर अल्टीमेटली यूपीएससी उसी में डुबोता है आपको। मेरे को था मैं हिस्ट्री को हाथ नहीं लगाऊंगी, आई विल फाइंड पॉलिटी। मैंने क्वेश्चन ढूंढे और मेरा सेक्शन बी था, तो लास्ट में था पॉलिटी का, वो क्वेश्चन भी टफ लगने लगे तो ओनली वन ओनली टू ऐसे वाले। सो आई वेंट बैक, मैंने देखा, पहले मैं काउंट करती हूँ कितने क्वेश्चंस हैं ऐसे, एंड आई फाउंड कि 47 क्वेश्चंस ओनली वन ओनली टू पे थे, और लोगों ने ना लास्ट ईयर के पेपर पे ऐसे निकाल दिए थे कि 10 क्वेश्चन अगर हैं तो ओनली टू मार्क कर देना, तो 50% आपके सही हो जाएंगे, नेट पॉजिटिव में आप चले जाओगे। सो मेरे को था कि पहली बात तो मैं ऐसी स्ट्रेटेजी कभी यकीन नहीं करती हूँ कि आप किसी ने बोल दिया और आपको, क्या आपका प्रीलिम्स है, आपका पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा सिर्फ उसे एक फेक स्ट्रेटेजी पे। मैंने कहा 47 क्वेश्चन में अगर मैंने 20-25 क्वेश्चन में लगा दिए चीज़, मैं फेल हो जाऊंगी फिर तो, और यूपीएससी को भी पता है ना कि मार्केट में ये चल रहा है। सो मैंने अपने आप को बहुत वो कर रखा कि नहीं, मैं ऐसे ही इलॉजिकली कोई आंसर मार्क नहीं करने वाली, मैं पढ़ूंगी ऑप्शन को कायदे से एलिमिनेट करूंगी और फिर आई विल मार्क माई आंसर। ओके, सी सैट के बारे में थोड़ा बताओ। सी सैट एक्चुअली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, लोग सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के दम पे चले जाते हैं या फिर उसको भी अवॉइड करके सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे फोकस करते हैं। आई फाउंड कि जिन्होंने सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे ही फोकस किया ना, वो भी कई बार फेल हो गए, क्योंकि अब वो फॉर्मूला बेस्ड नहीं रहे हैं, तो आप एक फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हर स्टेप पे आपको थिंकिंग करनी पड़ेगी, फिर कहीं फॉर्मूला फिर थिंकिंग। आई थिंक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे मैंने अच्छा पकड़ बनाई थी अपनी, मेरे वहाँ पे कम गलत होते थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेके, और न्यूमेरिकल्स मेरा, लोग कहते हैं बीटेक बैकग्राउंड को बहुत फ़ायदा होता है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ जनरल एप्टीट्यूड में। आप मुझसे बड़े बड़े मैथ्स के पोर्शन सॉल्व करवा सकते हो, बट जहाँ जनरल एप्टीट्यूड की आप मुझसे बात करोगे, मैं पता नहीं मेरा दिमाग घूम जाता है तो मैं इजी क्वेश्चन निकालती थी, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कुछ निकाल लिए, कुछ नंबर सिस्टम्स निकाल लिए, ऐसे मतलब चुन चुन के कुछ क्वेश्चंस करके ना उसमें अपनी एक्यूरेसी बना के, एज वाले सॉल्व कर लिए, रीजनिंग सॉल्व कर ली, ऐसे क्वेश्चंस भी अपने बना के नेट पॉजिटिव में मेरा सीसेट कभी नहीं रुका 4 साल। ये प्रीलिम्स और मेंस के रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं कि मतलब सेम रिसोर्सेज होते हैं? मतलब क्या रिसोर्सेज रखे हैं अपने प्रीलिम्स के लिए?
एक्चुअली रिसोर्सेज जो बेसिक बुक हम करते हैं हिस्ट्री में, मॉडर्न हम पढ़ लेते हैं, और एंशियंट एक्चुअली ना मैं आपको बताऊँ, लोग बोलते हैं, एक सर हैं उनकी एनसीईआरटी की पुरानी बुक लोग ले लेकर आते हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, आई एम सॉरी, बट मैंने नहीं पढ़ा वो ना मिडीवल के लिए, मुझे तो पहले याद ही नहीं होता है सर, बट मुझे कुछ लोगों ने बोला कि लूसेंट से बहुत सवाल आ जाते हैं कहीं ना कहीं, बहुत शॉर्ट में भी है, तो मैंने थर्ड टाइम से लूसेंट पे फोकस करना शुरू किया और क्वेश्चन फंसे वहां से. ओके. अगर एक दो क्वेश्चन में फंस जाता था, आई थिंक बहुत है वो आपको, मतलब नेट 5 नंबर दे देगा. तो फिर मैंने तब से सोच लिया कि मैं एंशियंट और मिडीवल के लिए कोई बुक नहीं हाथ लगाऊंगी, और लूसेंट उठाती थी मैं, जितना उसमें से हो गया हो गया, और प्रीवियस ईयर हिस्ट्री के जितने प्रीवियस ईयर है मैंने उठा लिए, उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर ली, और मैं आपको बताऊं 2 क्वेश्चन वहां से रिपीट होंगे ही होंगे. okay. हर बार वो किंगडम, चोला किंगडम, पांडव किंगडम रिपीट करता है वहां से. ओके. अभी मेंस पे आते हैं हम, तो मेंस कैसे तैयार करा आपने, आंसर राइटिंग कब से शुरू करना चाहिए एक एस्पिरेंट्स को, और कैसे आंसर राइटिंग में अच्छा होना है, फिर मेंस में अलग अलग पेपर होते हैं GS1 GS2 एथिक्स का, अपना एसे का, ये सारा थोड़ा बेसिक बताओ कैसे कैसे करा सारा कुछ. आई थिंक आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको प्रीलिम से पहले ना एक बेसिक आंसर राइटिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो नेक्स्ट 3 महीने आपके ना वो सिर्फ टेस्ट देने के और करने के होते हैं जैसा लगता है. प्रीलिम से पहले एक बेसिक आंसर राइटिंग बना के रखो और सोर्सेस को फिक्स कर लो अपने, ये सोर्सेस से ही मैं प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए फिर से रिवीजन करेंगे. तो वो वाली चीज़ कर लेनी चाहिए. एथिक्स ऐसे कि आपने बोला, फॉर एग्जाम्पल GS1 से शुरू करते हैं. हिस्ट्री जैसे आपने, हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा मतलब परेशान, एक्चुअली GS1 काफ़ी वास्ट भी और स्कैटर्ड सा रहता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो स्कोरिंग वाले एरिया है ना, फिर जोग्राफी हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, इनको पहले आप अच्छे से कर लो, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन आया तो आपका हो जाना चाहिए. उसके बाद हिस्ट्री है जैसे, तो आई थिंक एंशियंट आप प्रीवियस ईयर को देखो, आर्ट एंड कल्चर वो पूछता सबसे ज़्यादा, ठीक है, तो उसमें भी कुछ एक स्पेशल किंगडम्स ही पूछेगा, वहां पर आप फोकस करो. ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री है, आपको मेन वो पता होना चाहिए क्रिस्प. मैं आपसे अगर बोलूं किसी एक टॉपिक को सिर्फ 5 लाइन में आप कर दो, अगर वो टैलेंट आपने कर लिया समराइजेशन का, तो मेंस का काफी अच्छी पकड़ बन जाएगी. ऐसी जैसे GS2 है आपका, तो पॉलिटी की बुक याद करे जा रहे हैं, बट आपको उसमें से केस लॉज वगैरह ज्यादा फोकस करो. ठीक है, केस लॉज हो गए, गवर्नेंस अच्छा कर लो, उसमें से अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हो. फिर इंटरनेशनल रिलेशंस परेशान करता है, तो उसके लिए कोई भी एक बेसिक वाले फॉर्मेट पकड़ लो, कोई भी कोचिंग का किसी का भी मटेरियल लाके थोड़ा सा उसको बेसिक कर लो आप. ठीक है, आपको मेन थीम पता होनी चाहिए किसी भी चीज़ की. फिर GS3 इकोनॉमी है, आई थिंक वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स बहुत कम दे रहा है UPSC. मतलब 100 से ऊपर तो बहुत ही रेयर लोगों के हैं, 80 से 90 के बीच में वो फंसा दे रहा है जनरली. सो GS3 में भी जैसे आप देखोगे 3 सेक्शन हैं, लोग इकोनॉमी के पीछे भाग रहे हैं, पर आप भूल जाते हो वहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, वहाँ इंटरनल सिक्योरिटी भी है, और ये स्कोरिंग है. अगर आप इसको स्कोरिंग बना लोगे ना, तो वो जो इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े आ भी गए तो वो कवर अप हो जाएंगे. इकोनॉमी को हमें उस तरह से लेके चलना है कि मेन टॉपिक. तो आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना कॉन्टिन्यूसली देखते रहना और थीम डिसाइड करना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. और एथिक्स है, किसी भी कोचिंग के आप नोट्स ले आओ. एथिक्स का आई थिंक एक चीज़ होती है, पेपर शुड बी पर्सनलाइज्ड. हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैंने भी कई बार गलती करी कि कोट्स बहुत लिख दिए हैं बट उसको फिट नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर. पॉइंट्स आपने लिखे लेकिन वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, तो वो पर्सनलाइजेशन मांग रहा है आपने उस टॉपिक का, आपका पर्सनल क्या ओपिनियन है उस चीज़ को लेके. जब तक आप उसको इंटरनलाइज नहीं करोगे ना, मतलब तो वो एथिक्स के अंदर आता नहीं है. दिस इज माय टेक. एसे के लिए, एसे आई थिंक मेरा एसे काफ़ी इम्प्रूव हुआ है विद टाइम. एसे की प्रैक्टिस करो. लोग कहते हैं कि हमने एग्जाम से पहले एक दिन पहले एसे करा, हमने पढ़ा भी नहीं किया अभी. सो आई थिंक डोंट फॉल into such thing because maybe they are already good at that. है ना, तो जो ऑलरेडी गुड है आप उनको कैसे इस चीज़ को लेके फॉलो कर सकते हो. आप शुरू से अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो. अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कोचिंग गाइडेंस लो, एक कोर्स कोई भी छोटा ज्वाइन कर लो, उसको समझो और लिखते रहो. आई थिंक बहुत सारे ऐसे लिखने चाहिए, अच्छे अच्छे कोर्स एग्जाम्पल्स को लेना चाहिए. एंड ऐसे में एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है थीम को पकड़े रहना. एक पैराग्राफ या दूसरे पैराग्राफ के बाद ना हम अपनी ही कहानी में चले जाते हैं, और जो मेन ऐसे का था
वो पीछे छूट जाता है. तो हर बार एक पैराग्राफ लिखने के बाद ना खुद को याद दिलाओ, अच्छा थीम वो थी, क्वेश्चन को बार बार देखते रहो, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ को उसको फिर से याद करके फिर लिखो, फिर तीसरे पे फिर से क्वेश्चन देख के फिर लिखो. वो थीम अगर छूट गई बीच में तो लोगों के जो बहुत अच्छे ऐसे लिखते थे ना उनके भी 60 नंबर आते हुए देखे हैं मैंने. जैसा अभी आपने शुरू में कहा था कि पर्सनल टच देना बहुत जरूरी होता है, जितना आप पर्सनल टच दोगे उतना ज्यादा अच्छा आंसर आपका जाएगा, मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे. तो कंटेंट तो सब सेम ही पढ़ रहे होते हैं, है ना, तो कैसे पर्सनल, कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कैसे अलग मतलब चीजें करनी चाहिए, कहाँ से वो कॉन्टेंट नया कैसे ग्रैप करना है? देखिये कॉन्टेंट नया तो नहीं हो सकता क्योंकि सब वहीं से पढ़ रहे हैं. मेन होता है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा और आपने पहली बार तो इंट्रो सही से, अगर आप इंट्रो बॉडी फॉर्मेट में जाते हो तो आपने इंट्रो को सही से एड्रेस किया. अब आप लिख के आ रहे हो 4-5 लाइन का इंट्रो, दो लाइन में ही इंट्रो को समराइज कर दो आप, बहुत लंबा इंट्रो पे मत जाओ, टू द पॉइंट क्वेश्चन को स्टार्ट करो आप. जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी को हेडिंग बना के लिख दो. पता सबको है बट जस्ट बिकॉज हम उस चीज को, बस ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम मिस आउट करते हैं और जो टॉपर्स कर रहे हैं वो लिख देते हैं इसी चीज को, हम लोग दिमाग में रखते हैं बट वी डोंट इम्प्लीमेंट दैट. उस चीज को फॉलो करना और उस टॉपिक के अंदर आप कितने एलिमेंट्स नए ऐड कर सकते हो. एग्जांपल आपने ऐड कर दिया, अननेसेसरी डायग्राम्स नहीं बनाए. डायग्राम शुड बी मींस टू कम्युनिकेट, नॉट टू जस्ट ऐड. मैं डायग्राम बनाऊंगी अगर तो मैं किसी 5-6 लाइन के आंसर को सिर्फ 2 लाइन में समराइज करने के लिए डायग्राम बनाऊंगी. दिस इज व्हाट आई विल फॉलो. सो दिस इज, दीज स्मॉल थिंग्स आर डन बाय द पीपल हु आर सिलेक्टेड. इसमें न्यूज़पेपर का कितना बड़ा रोल होता है? न्यूज़पेपर मतलब डेली पढ़ते थे आप, न्यूज़पेपर का क्या रोल रहा आपके तैयारी? न्यूज़पेपर में कभी नहीं छोड़ती थी. आई थिंक न्यूज़पेपर इज समथिंग, मतलब मुझे लगता है कि आप बुक्स ना भी पढ़ो न्यूज़पेपर पढ़ लो. ओके. क्योंकि दो चीज़ें आपके साथ साथ हो जाती हैं. पहला आपको एक नया एग्जाम्पल मिलता है, आप करंट से रिलेट करके समझते हो, फिर आप उसको बैक टू स्टैटिक रिलेट करते हो, है ना. तो आप सिर्फ न्यूज़पेपर में अगर सिर्फ 2 मतलब घंटा 1.5 घंटा भी लगा दो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. अगर आपने बकायदा कि आपने सही चीज़ को उठा के उसको सही जगह पुट कर दिया, मतलब मेरा ऐसा नहीं होता था कि मैं 45 मिनट फटाफट से ख़त्म कर दूँ. आराम से टाइम देके न्यूज़पेपर पढ़ती थी मैं, उसमें से एग्जांपल्स इकट्ठे करती थी और अपने नोट्स बना के उसमें एड ऑन करती थी और उससे मैं उसको स्टैटिक्स से रिलेट करती थी. न्यूज़पेपर के भी नोट्स बनाते थे? हाँ, ऐसा नहीं कि हर चीज़ के बना लिए. मैंने जैसे ऑनलाइन यूज़ करती थी नोट्स बनाने के लिए तो सेक्शंस बांट लिए, GS1, GS2, GS3, GS4, उसमें भी जो सिलेबस के टॉपिक कीवर्ड्स हैं उनको एक बना लिया. अब जो न्यूज़पेपर की कोई भी मुझे लगा कि काम की न्यूज़ है तो उसको एक दो लाइन के अंदर ही मैंने उस स्पेसिफिक जगह पर ही लिख दिया. तो उससे होता था मुझे बाद में जाके ना उसको बहुत ज़्यादा सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और एक तरह से मेरी कहते हैं ना उसको रिवर्स इंजीनियरिंग वो हो जाता था. कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे? द हिंदू, कभी कभार इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन जैसे वो पढ़ लेती थी. ओके. करंट अफेयर कैसे तैयार कर रहा है आपने? करंट अफेयर जैसे प्रीलिम्स के लगा आप मुझसे पूछेंगे तो न्यूज़पेपर तो मेरी एक हैबिट थी. न्यूज़पेपर से मैं करंट, जैसे मैंने नोटिस किया था कि बहुत सारी चीज़ें ना हम मिस आउट कर देते हैं. सपोज कोई बॉडी का नाम पूछ रहा है तो मैं, अब जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने फिर से उसको लेके फोकस शुरू किया कि अच्छा ठीक है अगर ये चीज़ है तो कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है कौन सा, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया. और एनवायरमेंटल में कोई भी जैसे कोई नया वर्ड देता था, ग्रीन वॉशिंग आपने बोल दिया ये, तो मैं उस पर ध्यान देती थी. एडिटोरियल्स पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी, पढ़ती थी बट आई उसको सेलेक्ट कि कौन सा एडिटोरियल पढ़ने लायक है कौन सा नहीं है, तो बहुत सेलेक्टिव कई बार कुछ चीज़ें हो जाती थी. बट वो छोटी छोटी न्यूज़ थी मैं उस पर अच्छे से फोकस करती थी. तो प्रीलिम्स के लिए और फिर मैगजीन जैसे आपकी कोचिंग वाले निकालते हैं, एक मैगजीन में पकड़ती थी और उसी को एक दो बार रिवाइज कर लिया. ओके. अभी ये स्ट्रेटजी हो गया, अभी हम बात करते हैं टाइम टेबल और रूटीन पे, क्योंकि जो नए बच्चे जब यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं सबसे पहले वो इनका यही होता है कि टाइम टेबल बना लेते हैं, पूरा 18 घंटे का टाइम टेबल बना लेते हैं, है ना, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सबसे टफेस्ट एग्जाम है तो 18-20 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना. तो वैसा टाइम टेबल बनाते हैं वो शुरुआत में, क्योंकि मुखर्जी में देखता हूँ तो शुरुआत ऐसे ही करते हैं, मोटिवेशनल चार्ट्स लेके आते हैं, मैप्स लेके आते हैं, अपना टाइम टेबल पूरा दीवार पे चिपका देते हैं, सुबह इतने बजे नहाएंगे इतने बजे खाएंगे. कैसा आपका टाइम टेबल कैसा रहता था और आप क्या रिकमेंड करोगे कि क्या मिस्टेक बच्चों को शुरुआत में नहीं करना, क्या हेल्दी एक टाइम टेबल हो सकता है? एक्चुअली मैंने भी कभी कोशिश की ऐसे करने की कि टाइम डिफाइन करूँ, बट इसके ना 2 डिसएडवांटेजेस थे. पहली बात तो आप कभी फॉलो ही नहीं कर पाते हो क्योंकि यू आर नॉट अ मशीन, हमें पहले समझनी पड़ेगी ये चीज़. दूसरी चीज़ होती थी कि जब आप उसको नहीं फॉलो कर पाते ना तो वो आपको एक फोमो क्रिएट करता था कि अब आपने बहुत बड़ा गलती कर दी है, अब आप कैसे करोगे, ये वो घबराहट
तो आई थिंक टाइम टेबल आप लिखवा लो, 8 घंटे की ही प्रोडक्टिव स्टडी हो सकती है, चाहे आप 18 घंटे बैठो, चाहे सिर्फ 8 घंटे, चाहे 10 घंटे बैठो. तो आपका आपके ना टाइम टेबल में मिनिमल चीजें होनी चाहिए. सब्जेक्ट्स सिर्फ 2 रखो, उसी पे करो. मल्टीपल सब्जेक्ट्स के चक्कर में ना तो वो अच्छे से कर पाते हैं ना वो अच्छे से कर पाते हैं. 2 सब्जेक्ट्स रखें और एग्जैक्ट टाइमिंग की जगह आप खुद को ऐसा स्कोप दे सकते हो कि हाँ मैं इसे 2 बजे तक, सपोज 9 से लेके 2 o'clock तक मैं पढ़ूंगी, 9 बजे सुबह से लेके दिन के 2 तक. फिर उसके बाद मैं 1 घंटे का ब्रेक लूंगी, खाना पीना हो गया, थोड़ा लेट ना हो गया, रिलैक्स. उसके बाद फिर मैं करके फिर शाम को इस टाइम पे मैं ब्रेक ले सकती हूँ. दिस इज अ मोर आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव टाइम टेबल वन कैन फॉलो. आप मॉर्निंग पर्सन थे या फिर मतलब रात में लेट नाइट पढ़ाई करते थे? आई एम अ वेरी मॉर्निंग पर्सन ना. मैंने बहुत बार 4 बजे उठने की कोशिश भी की, बट आई थिंक नहीं हो पाता था वो चीज़ कई बार फॉलो. तो लेकिन मेरा था कि मैक्स टू मैक्स 8 या 9 बजे तक आप उठ जाओ. क्योंकि मुझे मेरा पर्सनल ऐसा था कि जैसे जैसे दिन ढलता है ना, सन डाउन होता है, तो मेरी एनर्जी कम होती जाती है और मैं बहुत टायरिंग फील मोड में चली जाती हूँ और रात को मैं नहीं पढ़ सकती. सो मैं टाइम पे 11-12 बजे तक आई वॉज डेड स्लीप. आपने बीटेक करा तो 4 साल वहाँ आपने पढ़ाई करी, फिर आपके 4-5 साल यहाँ तैयारी में भी हो गए, 4 साल तो काफी लंबा पीरियड ही रहा है ना. तो क्या चैलेंजेस क्या आपने फेस करे, क्या स्ट्रगल आए इस बीच, सोशल लाइफ कैसी रही आपकी? मतलब ऐसा होता ना कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप कहीं शादी में नहीं जाएंगे, फ्रेंड्स उतने ही लिमिटेड बनाओगे, ज्यादा घूमो फिरोगे नहीं, पार्टीज नहीं करोगे, कैसा रहा पूरा सोशली? क्योंकि 4-5 साल बहुत होते हैं, एकदम बिल्कुल बंद होके तो नहीं रह सकता कोई, कैसे मैनेज करा है सारा कुछ? आई थिंक काफ़ी स्ट्रगलफुल रहता है क्योंकि आप नहीं भी चाहोगे तब भी बहुत सारी चीज़ों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. मतलब आप कम घूमोगे, अपनी बहुत सारी अच्छी हॉबीज़ हो गई वो सब भी आप अवॉइड कर देते हो. तो आई थिंक वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता था. बट मेरे साथ ना ऐसा था कि मैं हफ्ते में एक बार तो अपने दोस्तों से टाइम निकालती थी मिलने का, या उनसे बात तो मेरी हर 2-3 दिन में मैं करती थी. मतलब मैंने खुद को कम्प्लीटली शट डाउन नहीं किया था. जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैं टच में रहती थी, और दूर के फ्रेंड्स से भी जितना टाइम अगर होता था सो आई यूज टू मीट देम. लेकिन आई थिंक इस तरह की चीज़ों में मैं इन्वॉल्व रहती थी. मतलब कम्प्लीटली शट डाउन नहीं करते थे और करना भी नहीं चाहिए मुझे ऐसा लगता है. हाँ, एंड प्लस मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं ना काफ़ी सिंसियर हैं, वो खुद अपने करियर को लेके काफ़ी सिंसियर रहते थे. जैसे डॉक्टर्स हैं मेरे फ्रेंड्स, कुछ दूसरी फील्ड में हैं, तो उनके पास खुद भी से बहुत टाइम मिलता था, तो हम सभी पढ़ने में और ऐसे रहते थे, तो जब मिलते थे तब ऐसा हो जाता था. सो आई थिंक इट वॉज गुड इनफ. बट हाँ, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें छूट जाती है पीछे. जैसे 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ आपका, तो कभी ऐसा हुआ कि पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, कभी ऐसा अकेला महसूस हुआ हो कि डाउट आ रहा हो खुद पे, है ना, कि अभी बहुत पढ़ लिया यार नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, शायद मेरे लिए नहीं बना यूपीएससी, ऐसा कुछ? फिर इस टाइम किससे आप बात करते थे, कैसे मतलब पेरेंट्स का क्या इसमें रोल रहा, कैसे होते थे सारी चीज़? हाँ देखिए, जब 2 बार प्रीलिम्स नहीं निकला तो ऐसा आप अपने लक को ब्लेम करना शुरू कर देते हो. और पेरेंट्स मेरे काफ़ी सपोर्टिव हैं, उनका हमेशा से रहता था कि जो मेरे को अच्छा अपने लिए अच्छा लगता है आई शुड गो टूवर्ड्स इट, तो वो उस चीज़ को लेकर हमेशा सपोर्ट करते थे. और मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे, उन्होंने मुझे कभी ऐसे नहीं बोला कि छोड़ दे ये वो, दे वर लाइक कि सोच लो और थोड़ा अच्छे से ये वो. पर मेरे को ये था कि लक को ब्लेम करना इज गुड, पर मैं सोचती थी कि जो लोग निकाल रहे हैं वो भी तो निकाल रहे हैं ना, कुछ तो ऐसा होगा जो मैं मिस आउट कर रही हूँ और वो कर रहे हैं. सो मैंने फिर उस चीज़ को इम्प्रूव किया. एंड आई थिंक सेल्फ डाउट से ज़्यादा डर बैठ जाता है कि आप इस फील्ड में आके एकदम प्रीलिम्स भी निकाल के ना जाओ. जब मेरा 3rd attempt निकला तो आई थिंक इट वॉज अ वेरी साई ऑफ रिलीफ, एटलीस्ट नाउ आई विल बी राइटिंग एटलीस्ट मेंस. ओके, तो अभी हम बात कर लेते कि इसमें ये तो इम्पोर्टेंट होता ही कि क्या करना है, बाकी ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं करना है, किन किन गलतियों से आपको बचना है, वरना उस आप सर्कल में फंस जाओगे. और बहुत सारे लोग संघर्ष भी कर रहे हैं, 4 attempt, 5 attempt हो गए उनके, नहीं फाइनल उनको सिलेक्शन हो रहा है. तो आपको क्या लगता है कि अगर जैसे 4 attempt आपके नहीं देखे जाए, आज से आप तैयारी शुरू करते, तो आपने क्या सीखा इस जर्नी से कि क्या किन किन गलतियों से आप बचोगे? या फिर अभी आप जनरल देखते होंगे, नए एस्पिरेंट्स भी आपको मिलते होंगे, क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या मिस्टेक्स जनरली नए बच्चे करते हैं? एक तो है कि मल्टीपल सोर्सेस, बहुत ज़्यादा सोर्सेस करने की ज़रूरत नहीं है. हम एक क्वेश्चन को नया देखते हैं और उसके लिए 4 किताबें और नहीं पकड़ लेते हैं. हिस्ट्री का एक क्वेश्चन देखा नहीं कि उस सर के लेक्चर अलग सर के लेक्चर सबको पकड़ लेते हैं. स्टॉप डूइंग दैट. हर साल कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो किसी कोचिंग किताब में नहीं होगा, कहीं नहीं होगा. हमें फोकस करना है व्हाट इज़ डूएबल, जो चीज़ हमारे हाथ में और इजीली हो सकती है.
सेकंड हमें जब भी हम कर रहे हैं पेपर तो अपनी गलतियों का सीखना पड़ेगा हमें बहुत बारीकी से. नॉलेज में कमी थी, मतलब क्वेश्चन को रिविजिट कीजिए. आपने जो आपके क्या पता आपके कॉन्फिडेंस में कमी थी, सेल्फ डाउट में. से कई लोग बोलते हैं कि हमने पहले राउंड में सही किया फिर दूसरे में गलत कर दिया किसी भी चीज़ को, वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ओवर थिंकिंग है. सो आई थिंक वो एक पार्ट है जिसके बिना प्रीलिम्स प्रॉपर निकल ही नहीं पाएगा, है ना. तीसरा मेंस में प्रैक्टिस अलॉट. आप आंसर राइटिंग करो, किसी ने नहीं करी बट मे बी इट वर्क फॉर देम. सिलेक्शन हो जाने के बाद हमें नहीं पता होता है कि हमारा सिलेक्शन कैसे हो गया, क्यों हो गया, बट करो, प्रैक्टिस करो. एंड कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है. मतलब आप 18 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो, दो दिन पढ़ लिया तीसरे दिन नहीं पढ़े, तो वो चीज़ फिर आपको फोमो में ले जाएगी और परेशान करेगी. आराम से 6-7 घंटे का ही मिनिमम रखो और ग्रेजुअली ग्रो करो आप. हम लोग जब यूपीएससी का बात होती है तो आईएएस आईपीएस इनके बारे में ज़्यादा सुनते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की बहुत कम बात होती है. तो आपने क्यों इसको चूज़ करा? और दूसरा, जब आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है, आप इस सर्विस में जाने वाले हो, तो आपने रिसर्च भी करी होगी थोड़ी बहुत कि क्या काम क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हमें करने को मिलेंगी, तो थोड़ा इस सर्विस के बारे में बताओ. एक्चुअली इंडियन फॉरेस्ट सर्विस थोड़ी सी कम लोगों को जानने में आती है क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा और टफ है. ओके. इसकी कट ऑफ प्रीलिम से 20 नंबर ऊपर जाती है. तो बच्चे ही पहले राउंड में कम सिलेक्ट होकर आते हैं. फिर इसके जो ऑप्शनल्स हैं दे आर वेरी टेक्निकल. तो आपको आधे लोग डर जाते हैं कि वो टेक्निकल ही में नहीं आ पाएंगे. और इसमें नॉट एवरी डिग्री कैन अप्लाई, कुछ सर्टेन डिग्रीज को ही अलाउड है इस सर्विस में अलाउ करना. सो जब मेरे को ऐसे इंटरेस्ट बना कि हम लोग जब पढ़ रहे हैं आज, तो आप ये देखोगे कि एनवायरनमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस है. आज न्यूज़पेपर उठा के मुझे लगता है कि हर दूसरा आर्टिकल क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट, इसके बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस पे है. इंडिया का स्टेटस क्या जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है, जितनी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, आई थिंक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, सब में क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट की ही बात चल रही है. सो दैट अट्रैक्टेड माई इंटरेस्ट. दूसरा, ये एक इवॉल्विंग सर्विस भी है. तो बहुत सारी जगहों पे आपके पास इतना इनोवेशन है करने के लिए कि बाकी सर्विसेज में आई थिंक उतना इनोवेशन आप एग्जिस्टिंग चीज़ों में हो सकता है, पर यहाँ पे ना और भी बहुत स्कोप है. सस्टेनेबिलिटी है, एक रिसोर्स को मल्टीपल जगह कैसे यूज़ करना है, वो आपका एक बहुत बड़ा एम है. कैसे आपको लोगों को एक हेल्दी एनवायरमेंट देना है. आज हम सब लोग सिटी से बाहर जाके एक अच्छी जगह रहना चाहते हैं. हम वहाँ पर क्या देखते हैं, कितना नेचर से लिंक्ड है, है ना. हम उस नेचर को मैनेज करने वाले हैं. आपके लिए वो जगह ब्यूटीफुल बनाना वाला काम हमारा होगा. आई थिंक बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट है ये. चौथा, ट्राइबल्स हैं. आई थिंक जब मेरा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था, सो आई यूज टू सिंपथाइज अलॉट विद देम क्योंकि दे आर वन सेक्शंस ऑफ इंडिया जो अभी भी डेवलपमेंट से काफ़ी दूर हैं. ठीक है, उनके साथ वर्क करना बहुत पेशेंस वाला काम भी है. आपकी वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ सकते हैं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, आप उनको कैसे डेवलप करा सकते हो. सो आई थिंक वो एक बहुत इनोवेटिव चीज़ है जो मुझे लगा कि मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करने को है. राइट. ओके. अभी ये लास्ट में हम आपके इंटरव्यू के बारे में थोड़ा जानते हैं. कैसा रहा इंटरव्यू और क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? आई थिंक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. मेरा फर्स्ट डे इंटरव्यू था. ओके. और आफ्टरनून सेशन में, और वो भी पहला ही था मेरा. मतलब मैं गई हूँ, मेरे मार्कशीट वगैरह चेक हुए और मेरे को बस भेज दिया इंटरव्यू देने के लिए. फर्स्ट डे का तो अलग ही प्रेशर रहा होगा. फर्स्ट डे मतलब आप मानो कि 20 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया था यूपीएससी का, और मेरा काफी मुझे लगा था अंडर प्रिपेयर्ड है अभी इंटरव्यू. आई वाज लाइक कि थोड़ा और टाइम मिल जाता, चलो का 30th अप्रैल को था एंड में, सो आई वाज लाइक दे विल बी एडवांटेज, ज्यादा पढ़ने को मिल जाएगा. बट था तो था फर्स्ट डे, और जिसमें भी फर्स्ट इंटरव्यू था तो मुझे लगा था कि एटलीस्ट मैं ट्रांसक्रिप्ट देख के शायद क्वेश्चन जज कर सकूं. पर आई थिंक वो हर इंसान से अलग क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप ट्रांसक्रिप्ट देख के भी बहुत नहीं कर पाओगे. एक क्वेश्चन का जवाब दे भी दिया तो भी बाकी 10 क्वेश्चन तो आपके अपने पर्सनल रह जाएंगे ना. आई थिंक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. कितनी देर चला था इंटरव्यू आपको? आप मानोगे नहीं, मेरा मुश्किल से 20 मिनट चला था इंटरव्यू. एंड आई वॉज लाइक कि मे बी दे डिडंट लाइक मी कि से 20 मिनट लेके भेज दिया है. क्योंकि मैं सुनती थी लोगों के 30-30 मिनट तक जाते हैं, अच्छे खासे इंटरव्यू हैं, तो क्या ये मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, मेरे जवाब अच्छे नहीं है. बट मैंने फिर देखा कुछ लोग शायद इतने गए थे कुछ एक बोर्ड में, तो आई वॉज लाइक कि ठीक है चलो. मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही 20 मिनट का गया है, सबका गया है. एंड मैं बहुत डरी हुई थी पहले तो,
फिर जब मैं इंटरव्यू रूम में एक्चुअली एंटर कर रही थी ना, आई वॉज लाइक कि ठीक है यार, मतलब टफ क्वेश्चन पूछ भी लें क्या हो जाएगा, मैं फेल भी करूंगी तो इट्स ओके, मतलब इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर मैं कम्प्लीटली फेल भी करती हूँ, दे आर ऑल्सो नॉर्मल पीपल. हम लोगों के बीच में एक टेबल का फासला है, टेबल के उस पार वो ऑफिसर्स हैं और हम यहाँ पे कॉमन लोग हैं, तो आप उनको बस एक कॉमन इंसान समझ के ही उनसे बात करो. वो ऑफिसर, सिविल सर्विसेज, पहला मींस पहला इंटरव्यू, ये सब मैंने सोचा ही नहीं. मैं गई बहुत स्माइलिंग फेस के साथ, आफ्टरनून सेशन था बट फुल एनर्जी के साथ, और उतनी ही एनर्जी के साथ मैंने पूरा इंटरव्यू कंटिन्यू किया अपना. इसमें वो डर नहीं रहता कि जैसे आपने मेंस लिखा इतना सारा, आप मतलब सबसे ज़्यादा मेहनत करी और सिलेक्ट होके आप गए हो, तो आप डिफरेंट तो हुई और आप इंटेलिजेंट तो हुई, लेकिन इंटरव्यू में ऐसा कोई बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया वो ना आए आपको, तो आपको ऐसा कभी ऐसा नहीं फील हो कि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, ये सोचेंगे कि यार ये पेपर कैसे लिख के आई है. बिल्कुल, आप मानेंगे नहीं, मुझे जितने क्वेश्चन पूछे थे ना मेरे ड्राफ्ट में भी, तो मुझे लगा कि मैं और अच्छा आंसर दे सकती थी. मतलब मैंने दुनिया भर की चीजें पढ़ ली पर अपने ही डैफ की चीजों को मैं याद नहीं रख पाई, मैं वहां नहीं बोल पाई. मुझे बाद में कितना रिग्रेट हो रहा था कि शायद मैं और अच्छा बोल देती, एक दो पॉइंट अच्छा, तो शायद मेरे को और अच्छे नंबर मिल जाते. सो दिस इज द मिस्टेक वी डू. हम सब कुछ कर लेते हैं बट जो जरूरत है वो नहीं करते, या फिर वो उसको इतना एंड में करते हैं कि बाकी सब दिमाग में है पर वही दिमाग में नहीं है. बट आई थिंक पर्सनैलिटी में शायद मैंने अपना एक कॉन्फिडेंस मेंटेन रखा था, स्माइल हो गई, एनर्जी रखना, वो भी बहुत मैटर करता है. चलिए लगभग हमने सारी बातें कर ही ली हैं, फिर भी आपको इंटरव्यू में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ बातें छूट गई हैं, कुछ आप बताना चाह रहे हो, या फिर लास्ट में आपके क्या मैसेज क्या संदेश होंगे जो आप अपने छोटे भाई बहन देख रहे हैं आपसे मोटिवेशन, आपके इंटरव्यू से मोटिवेशन लेके वो तैयारी में आएंगे, उनके लिए क्या मैसेज क्या संदेश होंगे लास्ट में? आई थिंक पहला बहुत अच्छा है वाली चीज़ है कि अपने हर अटेम्प्ट को बहुत सीरियसली लीजिए, सोच समझ के दीजिए, अच्छे से दीजिए, ठीक है. और एक चीज़ है जो मुझसे थोड़े सीनियर भी हैं अभी एस्पिरेंट्स लाइफ में, जो कॉन्टीन्यूस मेंस और साइकिल में फंस गए हैं, आई थिंक आपको एक ब्रेक लेना चाहिए बीच में. अगर आपके दो मेंस नहीं निकले आपकी स्ट्रैटेजी पे, तब आपको पॉज देना चाहिए एक साल का, मुझे लगता है. उसमें आपको एनालाइज करना चाहिए कि आपका क्यों नहीं हो रहा था, या फिर आपको शुरुआत से शुरुआत करने की ज़रूरत है. मैंने अपना, आप मानेंगे नहीं, इस साल CSE का फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि जब मेरे दो मेंस नहीं निकले सो आई वॉज लाइक कि कुछ तो जा रहा है, ठीक है, अब मैं फिर से प्रीलिम्स दूंगी, फिर क्लियर कर लूंगी, 3 महीने में मैं क्या नया करूंगी, है ना, और मेरे अटेम्प्ट्स खत्म होते चले जाएंगे ऐसी, एंड में जाके बहुत रिग्रेट होता है. सो आई वॉज लाइक कि नहीं निकला तो मैं पूरा ये साल अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए दूंगी, मेंस को फिर से पढ़ूंगी, UPSC को चाहे फिर से पढ़ूंगी, हर एक बुक को नया उठा के फिर से देखूंगी, और उस स्ट्रेटेजी पे बहुत बहुत प्रैक्टिस करके बहुत करके फिर नेक्स्ट ईयर दूंगी, ताकि मुझे रिग्रेट ना रहे कि मेरे 2 अटेम्प्ट बचे हैं और मैं उसमें भी कुछ अच्छे से नहीं कर पाई. रीस्टार्ट तो दो अगर नहीं निकले हैं आपके आपकी स्ट्रेटेजी पे, तो आई थिंक आपको पॉज ले लेना चाहिए. कंटिन्यू साइकिल में मत फंसाइए. तीसरा कि सुनिए सबकी, लेकिन थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा. अपने बुक्स को, रिसोर्सेस को डेफिनेट रखिए. ये क्वेश्चन वहाँ से आता है, ये क्वेश्चन वहाँ से आता है, हर बार कोई नया क्वेश्चन होगा, कहीं ना कहीं से आएगा ही, पर वो जो कोई क्वेश्चन आ रहा है कुछ ना कुछ तो आपको आता होगा उसके बारे में. नहीं भी आता होगा, सबको ही नहीं आता होगा, तो वो कॉन्फिडेंस रखिए, फैलाइए मत. और अगर इंटरव्यू की बात करेंगे तो इंटरव्यू में पर्सनैलिटी पर फोकस कीजिए, थोड़ा बोलने का तरीका, और कॉन्फिडेंट बोलिए. हम बहुत जल्दी जल्दी, हमारे पास ना बहुत कंटेंट होता है और हम सोचते हैं बहुत सारा बोल दो ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता. आप जितना जल्दी बोल रहे हो आपका वो लो कॉन्फिडेंस दिखाता है इंटरव्यूअर को, है ना, तो वो चीज़ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है. नॉलेज तो चाहिए बट उससे ज़्यादा आपके हम्बलनेस कितना है, आप कितने ज़्यादा मोटिवेटेड रह सकते हो सर्विस में जाके. सबके पास डीमोटिवेटेड होने के 1000 रीजंस हैं, उनको वो चाहिए कि वो उस एनवायरमेंट में भी खुद को कैसे खुश रखेगा और अपने आसपास के लोगों को भी. वो पर्सनैलिटीज पे आप अपने फोकस कीजिए. चलिए काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखा आपके जर्नी से. वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर अचीवमेंट्स. थैंक यू सो मच. आई होप साथियों आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा जिस तरीके से मैम ने आपके सामने अपनी जर्नी रखी, सारा कुछ बताया कि कैसे इनकी तैयारी रही, क्या इनका बैकग्राउंड है, क्या क्या चीज़ें इन्होंने क्या क्या गलतियाँ करी वो आपको नहीं करनी है, आपको मोटिवेट भी करा इनकी जर्नी से, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होंगे.
तो आप भी इस तैयारी में आ सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देखिए और समझिए, एनालाइज करिए और अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। इससे मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स में आते हैं कि टॉपर्स की स्ट्रेटजी से क्या ही होगा, मतलब टॉपर्स की स्ट्रेटजी, सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। ये सही बात है, आप इन चीज़ों से रेफरेंस ले सकते हो और आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो और उससे आपको हेल्प होगा। आपको पहले ही कुछ चीज़ें पता होंगी तो आप वो चीज़ें नहीं दोहराएंगे, तो आपकी जर्नी थोड़ा ईजी हो जाएगी। तो यहाँ तक वीडियो देखें, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।